तेंदुखेड़ा में फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है, जहां भू माफियाओं ने भूस्वामी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जबलपुर रोड के किनारे जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। फर्जी दस्तावेज से ही उसका नामांतरण भी करा दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद अब राजस्व विभाग आनन फानन में कार्रवाई में जुट गया है। वहीं तहसीलदार मोनिका भागमारे ने फर्जी रजिस्ट्री मामले में आरोपियों के खिलाफ तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने पत्र लिखा है। एक फर्जी रजिस्ट्री आई थी यहाँ पे, जिसपे की नामांतरण हो, एक जो व्यक्ति आया आवेदक लल्लू प्रसाद, उसके द्वारा एक रजिस्ट्री पेश की गई और न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत उसमें आदेश पारित किया गया। किंतु उसके जब आदेश पारित करने के बाद जो एक्चुअल जो उसका विक्रेता है, जिसको विक्रेता बनाया था, वो हमारे पास आवेदन लेके आया है कि हमारे द्वारा कोई रजिस्ट्री जमीन बेची नहीं गई है। फिर हमने जब दोबारा जांच की तो पाया कि वो कूट रचित दस्तावेज के आधार पर हमने रजिस्ट्री का निर्माण किया और यहाँ से नामांतरण करा लिया। जब हमको ये पता चला तो हमने अपना आदेश खारिज किया। मेरी वार्ड क्रमांक 8 हाई स्कूल के पास लगभग 1 एकड़ जमीन पड़ी है। कुछ दिन पहले हमें तहसील कार्यालय द्वारा पता चला कि आपने अपनी जमीन बेची है क्या, तो मुझे बुलाया गया वहाँ। तो मैंने देखा वहाँ कागज़, तो मैंने बताया कि नहीं सर, मेरी मैंने नहीं बेची है, तो इसमें तो कागज़ लगे हैं, तो फर्जी लगे हैं।